साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल तरह तरह के वादे और गारंटियां दे रहे हैं, चुनावी रेवड़ियां जिसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में अधिक घोषणाएं करने की होड़ भी लगी है। बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए सम्मान राशि, किफायती गैस सिलेंडर, सस्ती बिजली मुहैया कराने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी चुनावी गारंटियों को 6 से बढ़ाकर अब 11 वचन कर दिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश में 10 गारंटियां दी जा चुकी हैं। तो ऐसे में आइए आपको हम बताते हैं कि दरअसल चुनावी रेवड़ियों का खेल क्या है और हर राज्य में चुनाव से पहले ये क्यों दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि राजनीतिक दल कैसे कैसे लुभावने वादे कर रहे हैं, इसके जवाब में दूसरे दल और क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को जम्बूरी मैदान भोपाल से लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम की में कई सारी घोषणाएं की। उन्होंने रक्षाबंधन पर महिलाओं के खाते में भी पैसे भेजे हैं, राशि डाली है जो कि लाडली बहन योजना के तहत थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में बहनों को प्रतिमा दी जा रही 1000 रुपए की राशि के स्थान पर अक्टूबर महीने से 1250 रुपए की राशि दी जाएगी। राखी के पर्व पर प्रत्येक बहन को उपहार के रूप में 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। बहनों के खाते में 10 सितंबर को योजना के 1000 रुपए डाल दिए जाएंगे और इसके बाद अक्टूबर महीने से 1250 रुपए की राशि आएगी। दरअसल राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बार 6 चुनावी गारंटियों के साथ चुनाव में मैदान में उतरी हुई है। लाडली बहना के बाद कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा की है और यहां देखिए, यहां 1250 रुपए की बात हो रही है लेकिन कांग्रेस ने 1500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया है। पार्टी की तरफ से हजारों महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए हैं। हालांकि रविवार को मुख्यमंत्री ने लाडली बहना की जो राशि थी 1250 रुपए वो कर दी है और इसे 3000 तक करने की घोषणा मुख्यमंत्री कई बार कर चुके हैं कि जैसे जैसे आगे समय आएगा हम राशि बढ़ा देंगे। एक अन्य घोषणा में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सावन के अवसर पर लाडली बहन योजना में एक रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए का पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाडली बहनों के हित में रसोई गैस सिलेंडर के लिए आगे स्थायी व्यवस्था भी की जाएगी। राज्य शासन संबंधी गैस एजेंसी से जानकारी प्राप्त करेगी और सावन के इस पवित्र अवसर पर लाडली बहनों को 600 रुपए प्रति महीने की राशि प्रतिपूर्ति के तौर पर उनके बैंक खातों में डाल दी जाएगी ताकि बहनों को रसोई गैस सिलेंडर की लागत 450 रुपए ही आए। कांग्रेस के चुनावी गारंटियों में से एक किफायती दाम में रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराना भी था। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि राज्य में उसकी सरकार आई तो महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर दिया जाएगा। अब बीजेपी सरकार ने 50 रुपए और कम करने की घोषणा कर दी है। देखिए कंपटीशन किस तरीके से हो रहा है चुनावी रेवड़ियां बांटने का। अपने भाषण में शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार फैसला करती है कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब बहन का बिल हर महीने 100 रुपए आए इसका इंतजाम किया जाएगा। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने और 200 यूनिट तक बिल आधा माफ करने का भी ऐलान किया था। इसके जवाब में सीएम ने बिजली बिल 100 रुपए महीना करने की घोषणा की। अब आपको बताते हैं कि एमपी में आम आदमी पार्टी की गारंटी क्या है, यानी उनके चुनावी रेवड़ी कैसी है। बीते रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सतना में थे। यहां उन्होंने बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए के मासिक भत्ते के अलावा मुफ्त बिजली, चिकित्सा उपचार और गुणवत्तापूर्ण जो स्कूल है उसके निर्माण सहित कई गारंटियों की घोषणा की, या यूं कहें कि आश्वासन दिया। केजरीवाल ने कहा कि अगर सत्ता में आए तो आप सरकार मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणवत्ता युक्त स्कूल देगी। उन्होंने कहा कि हम अस्पतालों में 20 लाख रुपए की लागत वाले परीक्षण और सर्जरी सहित मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए महीने देंगे बेरोजगारी भत्ते के रूप में। 17 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साजापुर जिले में प्रदेश के पहले सीएम राइज विद्यालय का लोकार्पण किया था और मुख्यमंत्री ने वहां कहा था कि सीएम राइज स्कूलों में विश्व स्तरीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। अब देखिए यहां स्कूल में भी जो स्कूल को लेकर घोषणाएं हो रही हैं वहां पर भी रेवड़ियां किस तरीके से बांटी जा रही है। गरीबों के बच्चे फ्री में यहां पढ़ेंगे, सीएम राइज स्कूल का मतलब शानदार बिल्डिंग, अच्छा क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, दिल्ली मुंबई के शिक्षक यहां पढ़ाते हुए स्मार्ट क्लास में दिखाई पड़ेंगे। ये सारी बातें उन्होंने अपनी घोषणाओं में कही थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए बसें भी चलाई जाएंगी और बस घर घर बच्चों को छोड़ेगी और ले जाएगी। आवागमन की सुविधा भी होगी, पूल, स्विमिंग पूल, तमाम सुविधाओं की बात उन्होंने की थी। इधर अब बिजली के मोर्चे पर आइए, आम आदमी पार्टी के नेता ने 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति के साथ 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप सत्ता में आती है यानी आम आदमी पार्टी, तो 30 नवंबर तक बकाया बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा कि अस्थाई और संविदा नौकरियों में लगे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा और उन्होंने दिल्ली और पंजाब के उदाहरण दिया जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है। कुछ दिनों पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में अब संविदा कर्मचारियों की वार्षिक अनुबंध प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को 90% के स्थान पर 100% वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी और बीमा देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह छुट्टियां, सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश, अनुकंपा नियुक्ति, ये सारी बातें उनकी घोषणा में थी। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में सत्ता में आई है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो वो बुजुर्गों के लिए भी तीर्थ दर्शन योजना शुरू करेंगे, जो अपनी पसंद के स्थान पर जाकर तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों, कांस्टेबल्स को 1 करोड़ रुपए की राशि सम्मान राशि के रूप में देगी। केजरीवाल ने ऐलान किया कि विस्तृत योजना तैयार कर किसानों और आदिवासियों के लिए अलग अलग घोषणाएं की जाएंगी। ये सारी घोषणाएं देखिए कॉम्पिटिशन की तरह, ये सारी घोषणाएं रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही हैं, जो कि चुनाव से पहले अक्सर देखने मिलती है हर राज्य में। हालांकि मध्यप्रदेश सरकार ने जून 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की थी, अब आम आदमी पार्टी भी ये बात कह रही है। इस योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ जो चिन्हित तीर्थ स्थल है वहां निःशुल्क यात्रा कराई जा रही थी, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ वक्त बचा है, ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनावी तैयारियों में जुटी हैं और उसी के तहत इस तरह की गारंटियों की घोषणा हो रही है। अब देखना यह है कि चुनावी रेवड़ियां एमपी चुनाव में अपना कितना असर दिखाती हैं और जनता के ऊपर कितना असर डालती हैं, जो कि वोट में तब्दील होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।